हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एवेन्यू। माय नेम इज़ गौतम गुप्ता। आज हम डबल फिलर्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका अप्रोच सही है तो आप डबल फिलर्स बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच का मतलब कि आपको ये पता है कि मुझे अपने ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपकी रीडिंग, ग्रामर और वोकैब्स तीन इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और ख़ुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, और देखिए कि आपका क्या ऑप्शन है, और फिर देखिए कि मेरे और आपके ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि नहीं। इस तरह से आप अपने फिलर्स को चेक कर सकते हैं कि हमने सही सॉल्व किया या गलत। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, दो द कंट्री हैज़ डैश फ्री मेडिकल सर्विस फॉर द पुअर इट इज़ डैश। देखिए, सबसे पहले दो और ऑल दो एक कंजंक्शन होता है, और इनके साथ हम या तो येट या फिर कॉमा का यूज़ करते हैं। अब एक और बात कि दो और ऑल दो ये हमेशा कंट्रास्ट स्टेटमेंट को जोड़ता है, ठीक है। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव सेंस में होगा, एक नेगेटिव सेंस में है दूसरा पॉजिटिव सेंस में होगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट ऐसे ये कहा, यद्यपि मैंने प्रयास तो बहुत किया फिर भी वो कन्विंस नहीं हुआ। तो एक तरफ तो मैंने प्रयास किया लेकिन दूसरी तरफ उसका रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हम इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते क्या है। दो द कंट्री हैज डैश फ्री मेडिकल सर्विस फॉर द पुअर इट इज़ डैश। यानी अगर मान लीजिए हम पहला डैश को फिल करने की कोशिश करें, कह रहा दो द कंट्री हैड स्टॉप्ड फ्री मेडिकल सर्विस फॉर द पुअर। यद्यपि कंट्री ने गरीबों के लिए फ्री मेडिकल सर्विस शुरू की है, स्टॉप की है, इट इज़ अनअफोर्डेबल। फिर भी ये अनअफोर्डेबल है, तो दोनों का सेंस बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉप करने की वजह से अनअफोर्डेबल नहीं है, दोनों का कोई सेंस नहीं है, यानी पहला ऑप्शन गलत है। देखिए, जो भी हमें फिलर में ऑप्शन चाहिए, आप देख रहे हैं कि हमें कंट्रास्ट सेंटेंस को जोड़ना है, तो दोनों वर्ड एक दूसरे के कंट्रास्ट होने चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, मतलब या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब कंट्रास्ट चाहिए हमें। तो उस हिसाब से अगर देखिए, रेंडर्ड और एसेंशियल, अगर ध्यान से देखें रेंडर्ड और एसेंशियल दोनों पॉजिटिव है, आप फिल करके देख लें। दो द कंट्री हैज़ रेंडर्ड फ्री मेडिकल सर्विस फॉर द पुअर इट इज़ एसेंशियल। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, कह रहा है यद्यपि कंट्री ने गरीबों के लिए फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराई है, फिर भी इट इज़ एसेंशियल। फिर भी ये एसेंशियल है, दोनों का कोई सेंस नहीं है। आप देखिए, मेंटेन और एडमायर्ड ये दोनों भी पॉजिटिव वर्ड है, फेवर्ड और एप्रिशिएबल ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। इस वजह से आंसर होगा फिफ्थ। अब फिफ्थ ऑप्शन आप फिल करके देखें, दो द कंट्री हैज़ इंस्टीट्यूटेड फ्री मेडिकल सर्विस फॉर द पुअर इट इज़ इनएडिक्वेट। यानी यद्यपि कंट्री ने गरीबों के लिए फ्री मेडिकल सर्विस की शुरुआत की है, फिर भी यह अपर्याप्त है। तो दिस वन इज करेक्ट, फिफ्थ ऑप्शन। आइए सेकंड देखते हैं, कह रहा इफ इंडिया इज डैश ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स रिसोर्सेज इंटरनेशनल बिजनेस अपीयर्स इक्वली डैश टू सेफगार्ड इट्स प्रॉफिट। यानी सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, अगर इंडिया ऐसा करेगा, ठीक है, या इंडिया ऐसा करता है तो इंटरनेशनल बिजनेस ऐसा करेगा, इस तरह का स्टेटमेंट है। तो हमें कैसा इसको फिल करना है, आपको देखिए, इफ इंडिया इज ड्रीडेड। अब देखिए, अगर आप ड्रीडेड फिल करेंगे पहले वाले में, तो पहले तो ड्रीड का मतलब समझिए क्या होता है। ड्रीड का मतलब होता है डरना, ठीक है। आपने एक एडियम सुना होगा, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। यानी इसका मतलब ये होता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अगर आप देखिए तो ड्रीडेड वर्ड इनकरेक्ट है, यहाँ फिट नहीं होगा। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, ये भी फिट नहीं होगा। थर्ड वर्ड है बेंट। अब बेंट के साथ हम देखते हैं, If India is bent on protecting its resources, international business appears equally determined to safeguard its profit. यानी आंसर इज थर्ड, थर्ड ऑप्शन सही है। बेंड का मतलब होता है तुला हुआ, बेंड का मतलब होता है तुला हुआ। तो आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड, क्योंकि आप अगर फोर्थ और फिफ्थ भी फिल करके देखेंगे तो कोई सेंस उसका नहीं है। तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत सिंपल है, आपको पढ़ते ही पता चलेगा। देखिए, ओबेसिटी एंड अनकंट्रोल्ड डाइट डैश टुगेदर टू डैश द रिस्क ऑफ लीवर डिजीज इन बोथ मैन एंड वुमेन। आइए पहला फिल करके देखते हैं, ओबेसिटी एंड अनकंट्रोल्ड डाइट एक्ट टुगेदर, कि भाई मोटापा और अनकंट्रोल्ड डाइट एक साथ काम करते हैं टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ लीवर डिजीज इन बोथ मैन एंड वुमेन। यानी ऑप्शन इज फर्स्ट, पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, कुछ पूछना ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी अगर आप सेकंड ऑप्शन फिल करके देखें तो क्या मतलब निकलेगा, ओबेसिटी एंड अनकंट्रोल्ड डाइट रिजल्ट टुगेदर। भाई पहले तो एक्ट करेंगे फिर रिजल्ट कर देंगे ना, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है।
थर्ड ऑप्शन भी आप देखिए, अगर आप फिलो करेंगे तो क्या होगा, ओबेसिटी या अनकंट्रोल्ड डाइट टेकन टुगेदर, मतलब दोनों को एक साथ लिया जाता है, तो ये भी कोई सेंस नहीं है। और बाकी पुट और मिक्स का भी कोई सेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द मदर डैश एट हर सन एज ही डैश एन अवार्ड इन द अवार्ड सेरेमनी। देखिए अगर हम इसको पहला फिल करें, द मदर स्माइल्स एट हर सन एज ही रिसीव्स एन अवार्ड इन द अवार्ड सेरेमनी, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलें, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रेगुलर एक्शन को हम यूज़ करते हैं, यानी हैबिचुअल एक्शन या वो काम जो रेगुलर होते रहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब रोज़ाना तो अवार्ड मिलता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका गलत है। अगर आप सेकेंड देखें, द मदर स्माइल्ड एट हर सन एज ही गेव एन अवार्ड इन द अवार्ड सेरेमनी। अब देखिए, माँ ने अपने सन के ऊपर स्माइल किया क्योंकि वो उसने अवार्ड दिया, तो ये भी उतना प्रॉपर नहीं है। थर्ड देखिए, द मदर बीम्ड एट हर सन एज ही रिसीव्ड एन अवार्ड इन द अवार्ड सेरेमनी। अब देखिए, ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, स्माइल और लाफ आदमी कई इसके सिनोनिम है और सबके अलग अलग, हंसने का कई सिचुएशन होता है, आदमी कब किस सिचुएशन में हंसता है, कब किस सिचुएशन में स्माइल करता है, तो उससे भी मीनिंग चेंज होती रहती है। देखिए, बीम का मतलब भी होता है मुस्कुराना, बीम का मतलब होता है जब आप बहुत हैप्पी होते हैं तब मुस्कुराते हैं, और आपकी मुस्कुराहट में एक गर्व की स्माइल होती है, यानी गर्व होता है आपको, जब आप गर्व से मुस्कुराते हैं उसे कहते हैं बीम। तो बीम इज़ द राइट आंसर। हालांकि मैंने स्माइल से रिलेटेड वर्ड लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस भी किए हैं, अभी आप जब लास्ट स्लाइड पे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। स्मर्क, स्मर्क का मतलब होता है एक ऐसी मुस्कान कि आप ना चाहते हुए सिर्फ सामने वाले को मुस्कुरा रहे हैं, आपके दिल अंदर से नहीं मुस्कुरा रहे, सिर्फ उसको दिखाने के लिए स्माइल करते हैं, उसे हम कहते हैं स्मर्क। हालांकि अगर हम देखें तो फिफ्थ ऑप्शन जो है, फिफ्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, द मदर स्माइल्ड एट हर सन एज ही गॉट एन अवार्ड इन द अवार्ड सेरेमनी। लेकिन अगर थर्ड और फिफ्थ में अगर हमें एक चुनना होगा तो हम थर्ड ऑप्शन करेंगे बीम की वजह से। नेक्स्ट देखिए, द ब्लेम गेम फॉर द एयर ट्रेजेडी इज ऑलरेडी इन फुल डैश विद द अथॉरिटीज इन्वॉल्व मेकिंग अटेम्प्ट्स टू डैश देमसेल्व्स अप। अब देखिए, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए इसमें आपको जो फील करना है बहुत सिंपल। देखिए, इन फुल स्विंग का मतलब होता है जोर शोर से, तो इन फुल स्विंग का मतलब होता है जोर शोर से, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। देखिए, द ब्लेम गेम फॉर एयर ट्रेजेडी इज ऑलरेडी इन फुल स्विंग विद द अथॉरिटीज इन्वॉल्व मेकिंग अटेम्प्ट्स टू कवर देमसेल्व्स अप। कवर अप का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना या बचाना, तो आपका आंसर फिफ्थ। ठीक है, अब आइए, कुछ उसमें दो वर्ड थे, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा और सिनोनिम के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, जिद्दी के लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत हठी हो, उसे कहते हैं डॉगमेटिक। आप डॉगेट भी यूज़ कर सकते हैं, डॉगेट का मतलब होता है अड़ा हुआ, मतलब वह व्यक्ति जो बहुत अड़ा हुआ होता है, जिसने मतलब डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे एवरेस्ट चढ़ना ही चढ़ना है चाहे कुछ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं डॉगेट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब भी होता है जिद्दी। एक्चुअली रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने सीनियर्स की या अपने बड़े की बात नहीं सुनता, इसको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट। अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं बहुत ही रिकैल्सिट्रेंट एम्प्लॉई है, तो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है भी जिद्दी के सेंस में। विलफुल का मतलब जिद्दी, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है जिद्दी, और इंट्रैक्टेबल उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे समझाया ना जा सके, जिसको समझाना बहुत मुश्किल हो, इसको हम कहते हैं इंट्रैक्टेबल। तो ये सारे सिनोनिम है, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बार बार यूज़ होते रहते हैं। अब आइए बीम, जैसा कि मैंने बताया कि बीम का मतलब क्या होता है, बीम का मतलब होता है गर्व की स्माइल। स्मर्क का मतलब होता है अनविलिंग स्माइल, यानी आप मुस्कुराना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप सामने वाले को देख के मुस्कुरा रहे हैं, उसे कहते हैं स्मर्क। स्माइल कॉमन है भाई, स्माइल बहुत, जैसे स्माइल तो कई सेंस में यूज़ करते हैं आप, अगर हल्की से आपके चेहरे पर मुस्कान है उसे भी स्माइल कहते हैं, कोई व्यक्ति आपको थोड़ा बहुत जान पहचान है, अगर आप उससे नज़र आपसे उससे टकरा गई तो भी आप स्माइल कर देते हैं, स्माइल कॉमन है। कैकल का मतलब होता है जब आप हंसते हुए आवाज़ें करते हैं, कई बार लोग हंसते हैं तो बहुत आवाज़ करते हैं, उसे कहते हैं कैकल। गफो का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, गफो का मतलब भी होता है कि आवाज़ के साथ हंसना। ग्रिन का मतलब होता है वाइड स्माइल का मतलब ये होता है कि जब आप हंसें और आपके दांत नज़र आते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रिन। जैसे ये कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित की स्माइल बहुत अच्छी है बॉलीवुड में, तो ऐसी स्माइल को कहते हैं ग्रिन, यानी वाइड स्माइल। सिंपर एक तरह की एनॉइंग स्माइल होती है, एनॉइंग स्माइल मतलब आप किसी को कुछ समझा रहे हैं और वो मुस्कुरा रहा है, यानी वो आप जो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो उसे सीरियस नहीं ले रहा, तो आपको गुस्सा आएगा ऐसी स्माइल पे, ऐसी स्माइल को कहते हैं हम सिंपर। गीगल
गीगल कैसी स्माइल होती है? गीगल हम उस स्माइल को कहते हैं कि जस्ट सपोज जिसमें आप एक जब आप जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं खाना खा रहे हैं, ठीक है, और खाना खा रहे हो अचानक आपके हाथ से पानी गिर गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, लेकिन वो एक एम्बैरसिंग स्माइल होगी, उसे कहते हैं गीगल। गीगल मतलब जब एक एम्बैरसिंग स्माइल, उसे कहते हैं गीगल। स्निगर, स्निगर का मतलब होता है एक ऐसी स्माइल जो आप मुस्कुराना तो चाहते हैं लेकिन आप उसको छुपा रहे हैं, यानी जब आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन छुप कर मुस्कुरा रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्निगर। तो ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप फिलर्स को सही अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा और आपको अच्छे मार्क्स, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।